क्या कह रहे थे गुरुदेव कि सबसे पहले तो मुझे सम्यक माने केवल ज्ञान आएगा। अब मुझे जो मेरा स्वरूप है उसमें कोई कमी नहीं है, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं केवल ज्ञान की दशा शक्ति सामर्थ्य लेके बैठा हूँ, वास्तव में मैं भगवान हूँ। अरे हम जिन भगवानों की पूजा करते हैं और जिन प्रतिमाओं की तरफ ऐसे देखते हो, आचार्य कहते तुझे ये भरोसा है कि ये दशा मेरी होने वाली है? बोलो, भगवान की तरफ देखते ना आप, तो आपको ऐसा लगता है कि ये दशा मेरी होने वाली है, ऐसे ही मैं होने वाला हूँ, भविष्य ही तो है मेरा, लगता है एक बार भी कि वह भक्त और भगवान, मैं दीनहीन, मैं दुखी और आप तीन लोग के नाथ, जय हो जय हो जय हो, इसके अलावा क्या आता है करना है? वो जड़ प्रतिमा में ऐसे भक्ति भाव से लगता है और असली जो चैतन्य तत्व है उसको भूला रहता है। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि तो जिनेन्द्र देव के समक्ष जाता है तो उसके तो अंदर यही चलता है, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, यही रूप सो मेरा है। ये असली भक्ति, भगवान की जो बाहर से जो भक्ति करते हो वो भक्ति नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। ये जिसकी श्रद्धा में उदित नहीं हुआ वो भक्त नहीं है भगवान का, ये जैन दर्शन का भक्त है। जो स्वयं को भगवान अनुभव करे वो जैन दर्शन का भगत है। जो स्वयं को दीनहीन पर्याय दृष्टि से देखता है, मनुष्य रंक राजा, सेठ पंडित विद्वान, गरीब अमीर, काला गोरा, लंबा चौड़ा, बीमार निरोगी, पिता पुत्र, ऐसा अनुभव करता है वो जैन दर्शन में भक्त कहलाने लायक नहीं है। और वे तो महामिथ्या दृष्टि हैं जो भगवान के सामने कुछ सांसारिक लौकिक प्रयोजन से खड़े हो जाते हैं, अथवा उनकी पूजा भक्ति से कोई सांसारिक प्रयोजन सज जाए, हे भगवान तुम्हारी पूजा से कुछ मेरे बिगड़े काम बन जाए, ऐसी मान्यता से जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करे वो तो ग्रीत मिथ्या दृष्टि है। उसके तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसका तो जैन धर्म में जन्म लेना व्यर्थ हो गया ऐसा समझ लो। वो तो अन्य कुल में भी जन्म ले लेता तो सब बात बराबर ही थी। इसलिए चेक करना, विचार करना, भाई जैसे कोई शूद्र, जैसे कोई नीच जाति का शराब का सेवन करे, मांस खावे और जितने खोटे काम है करे, तो सब कहते कौन सी जाति का है। अरे बोले शूद्र, अरे ठीक है, मैंने शूद्र है क्यों और सुअर के साथ घूमे, चमड़े चमड़ा लेके जावे, तो पूछे ना कौन है, शूद्र है, ठीक है, मैंने इसके योग्य है ऐसा करे, लेकिन कोई जैनी शराब पीवे, कोई जैनी चमड़ा लेके जावे, कोई कही कौन है, बोले जैनी है भैया, है करोगे कि नहीं करोगे, इसकी बुद्धि फिर गई कि पागल पागल हो गया क्या ये। मैंने आप भी ये मानते हो कि ये उत्कृष्ट जाति के आदमी को ऐसे निकृष्ट काम नहीं करना, तो इस दुनिया में सबसे उत्कृष्ट जैन धर्म है जो मैं भगवान हूँ ऐसी घोषणा करता है, प्रत्येक जीव भगवान है, और मैं फिर भी अपने को पामर मानता हूँ, मैं फिर भी अपने को संसारी मानता हूँ, पर्याय दृष्टि से देखता हूँ, दीनहीन अनुभव करता हूँ, संपत्ति से संयोगों से छोटा बड़ा देखता हूँ, ये मेरे जैन धर्म में जन्म लेना कलंक है मेरा, ये मैं जैन धर्म को लजवा रहा हूँ, ये आचार्य कह रहे। तो गुरुदेव कह रहे थे कि निशंक तंग को जरा देखो, अपने स्वरूप पर सम्यक दृष्टि कभी शंका नहीं करता, उसे 100% निर्णय रहता है, चाहे बाहर में कैसी परिस्थिति भरे कुछ भी हो, क्या शंका करना। देखो भाई, इसमें गहराई से विचार करना, बहुत माल है निसंक तंग में। देखो, छह द्रव्य सर्वज्ञ देव ने बताए, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, यथार्थता घटित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बोलो जल्दी, हो रहे हैं। पानी में जीव है, अनंत जीव है, ये सर्वज्ञ देव ने बताया, ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेड़ पौधों में जीव है, ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बोलो, हो रहा है। अपन थोड़ा समझना, ध्यान से समझना पूरी बात।
आप ये मानते हो, आप मतलब ये दुनिया ऐसे मानती है कि पहले मनुष्य आदि मानव था, जंगलों में रहता था, आदिवासी था, बंदर था, ऐसा नहीं? मतलब ये आप माने सारी दुनिया जो आज के वैज्ञानिक हैं वो इस दृष्टिकोण से चल रहे हैं कि मनुष्य विकास कर रहा है, मनुष्य जाति विकास की ओर बढ़ रही है। पहले आदि मानव था, पत्थरों से आग जलाता था, कच्चा मांस खाता था, जंगलों जंगलों भटकता था, पेड़ पौधों के उसमें सो जाता था, पत्ते उड़ लेता था, कुछ पता नहीं था, ठीक है ना? फिर धीरे धीरे विकसित हुआ, ऐसा उनका मानना है। तो इसका मतलब ये तो बात पक्की हो गई कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो नहीं था। लेकिन मजेदार बात है, उन्हीं आदि मानव ने लाखों वर्षों पहले वे बातें बता दी जो तुम आज मशीनों से रात दिन मेहनत करके लगे हुए हो खोज करने में, उन्हीं आदि मानव ने, और तुम उन्हीं के आधार से चल रहे हो, है कि नहीं? उन्हीं के शास्त्र पढ़ पढ़ के तुम्हारे अंदर विकल्प आता है, क्योंकि पानी में जीव है ये कोई हवा में नहीं आती, ये बात ध्यान रखना, कोई कल्पना से ऐसे नहीं होता किसी को, क्या होता है ये बात पहले कहीं लिखी मिलती है। ये जो वैज्ञानिक जितनी भी शोध खोज करते हैं ये अमूमन कहीं ना कहीं पढ़ते हैं और उसके आधार से फिर रिसर्च में निकल जाते हैं कि यार इसमें लिखा है, चलो देखो क्या पता हो सकता है, आप समझे? और फिर बाद में रिसर्च करते हैं और बोलते ही रहते हैं कि रिसर्च हमने करी, सब गप है, जबकि वास्तव में गप से ही तुम्हारी सच्चाई चली है। जिसे तुम गप कहते हो उसी के आधार से तुमने आगे शोध खोज करी है। जब जगदीश चंद बसु का नाम सुना होगा आपने, जिनने पेड़ तो जगदीश चंद बसु कौन थे बताए आप? है जगदीश चंद बसु ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझे जो पेड़ पौधों में जीव है, ये जो रिसर्च करने का मन बना, ये जो मेरे अंदर भावना जगी, ये जो मैंने मेहनत करी, जो फिर मैंने प्रैक्टिकल बहुत प्रयोग करे, इसके पीछे गोपाल दास जी बरैया का हाथ है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अपने गोपाल दास जी बरैया गए तो वहाँ के बालकों को कहा कि जो जैन दर्शन के बहुत बड़े विद्वान, उनका कुछ अच्छी बात बता दो। तो उनने ही बताया कि जे पेड़ पौधे जीव हैं, इनमें सब जीव हैं, ऐसे काटना नहीं, बिना वृत के पत्ते नहीं तोड़ना, सबके अंदर जीव होता है। तो हम तो जैन दर्शन ही मानता है कि पेड़ पौधे भी जीव हैं, तो फिर मांस तो खाना ही नहीं, मछली तो खाना ही नहीं, ख्याल में आए ना? तो ये समझाया, तो वहां वो बैठे थे विद्यार्थी जीवन में, तो उनको ऐसा लगा कि वास्तव में क्या पेड़ पौधों में जीवन हो सकता है, कि जीव हो सकते हैं? तो देखो वही बात बनी ना खोज करने का कारण। ये तो अपने सामने एक उदाहरण है, ऐसे ही आज ये मोबाइल बना तो अब अपन यहाँ बैठते हैं और अमेरिका में बात हो जाती है, तो अब उनको लगता साहब ये गजब हो गया। ये गजब कुछ नहीं, शास्त्रों में इस तरीके की बात आई कि भाई यहाँ बैठे बैठे पहले के महाभारत में संजय ऐसी द्रव्य दृष्टि थी, संजय के पास ऐसी रिद्धि थी, ऐसी शक्ति थी कि वो पूरा भाई खड़े खड़े महाभारत, महाभारत तो कहाँ हो रहा था? कुरुक्षेत्र में। और वो तो संजय कहाँ बैठता था? अपने उनके पास, धृतराष्ट्र के पास, धृतराष्ट्र की आंखें तो थी नहीं, तो वहां बैठे बैठे बताता था कि अब इतने कौरव मर गए हैं, अब इतने अपने आदमी मर गए हैं, अब युद्ध वही जीत रहे हैं, अब पांडव जैसा सब पूरा दृश्य, और राम जी विमान बना, जी एरोप्लेन बना, तो शास्त्रों में लिखा है रावण के पास विमान था, रावण ऐसे उड़ के जाता था। तो ये आता वहीं से है कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई चीज हो सकती है जो हवा में उड़ सकती है? आप समझ गए, माने हवा में शोध नहीं होता, उसका आधार भी शास्त्र बनते हैं, जिन्हें ये वैज्ञानिक बाद में कहते हैं कुछ नहीं तुम्हारे शास्त्र तो अंधविश्वासी है, और उन्हीं में से निकालते हैं। लेकिन हाँ ये बात भी परम सत्य है कि उन्हीं शास्त्रों के नाम पर अंधविश्वास भी बहुत फैलाया गया। अब लेकिन उसको तो नहीं रोका जा सकता, सो तो वो तो आज भी हर चीज में, मैंने ऐसा तो नहीं है ना, वो तो खाली शास्त्र की बात थोड़ी है, दुनिया में आज भी ठगों की विद्या है, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, बोलो। अच्छी फिल्में बनाने वाले भी हैं और बुरी फिल्में बनाने वाले भी हैं, अच्छी पत्रकारिता करने वाले ईमानदार लोग भी हैं और बुरे पत्रकारिता करने वाले बेईमान लोग भी हैं। आज भी कुछ अच्छे नेता हैं, कुछ बुरे नेता हैं, आज भी कुछ अच्छी पुलिस है, कुछ बुरी पुलिस है, बोलो, है कि नहीं? तो ऐसे ही भैया दुनिया ऐसी चलती है, अब उसमें से अच्छा बुरा छांटना पड़ता है,
ऐसे ही शास्त्र बहुत गजब गजब के है, और कम से कम हम जैनियों को तो बहुत गर्व की अनुभूति ऐसी होनी चाहिए कि अपना जैन दर्शन तो बहुत ही ईमानदार है, कि क्योंकि यहाँ पे मार्ग ही वितरागता का है। यहाँ तो किसी की पूजा, किसी का आशीर्वाद, किसी की भक्ति, किसी के भूत भगा दो, किसी को लगा दो, ऐसी चर्चा ही नहीं है। इसलिए अब लेकिन इसमें भी भाई मिलावट हो जाए तो कोई बात नहीं, उससे क्या घबराना। अपन के पास तो प्योर हलवा आ गया, अपन को तो पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए, डॉक्टर साहब मिल गए, पूरा तत्व ज्ञान मिल गया, कुंद कुंद भगवान की वाणी मिल गई, सर्वज्ञ देव की मूल बात अपने हाथ में आ गई, अपन को तो आनंदित रहना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था, किस पे समझा रहा था ये बात, कि भाई आपको छह द्रव्य, सात तत्व, पानी में जीव है, पेड़ पौधों में जीव है, आत्मा है, ये सब बातें सिद्ध हो रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिद्ध हो रही हैं। ध्यान रखना मैं कहाँ पे आपको ले जाना चाहता हूँ, आप उस तरफ ध्यान देना। जब ये सब बातें सच हो रही हैं और आत्मा की क्या, शरीर की क्या चेष्टा है, शरीर की क्या स्थितियाँ, ये भी सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो हमारे पास जब इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े ऋषि मुनि, इतने बड़े सर्वज्ञ देव की सारी बातें सही हो रही हैं, तो तुम्हारा पुण्य पाप का भी उदय चलता है और उसके अनुसार सामग्री मिलती है, तुम्हारे करने से नहीं आती, ये सही नहीं होगी। नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसकी ये बात झूठ होगी। उस भगवान की जिसने एक इंद्री जीव की भी बताई रिसर्च के भाई है, और निगोद की भी बताई, नरक का भी वर्णन बताया, और निगोदिया का कैसे जन्म मरण होता है, इतनी सूक्ष्म इकाई, इतनी सूक्ष्म इकाई है ना वो निगोदिया, जो इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, उस निगोदिया के कितने जन्म मरण हो रहा है, कितने बार मरता है, कितने बार पैदा होता है, ऐसा वर्णन सर्वज्ञ देव ने कहा, तो तेरा ये स्त्री पुत्र मकान दुकान पुण्य के उदय से मिलते हैं और इसमें तेरा कुछ नहीं चलता, ये बात उनकी झूठी होगी। फिर भी सवाल ही नहीं है, फिर भी झूठी लगती है। फिर भी कैसा लगता है, अपने करने से आता है, लगता है पंकज जी के नहीं, बोलो। अगर सच्चा भरोसा हो जाए सर्वज्ञ देव पे, तो अभी सम्मेलन नहीं हो जाए, अभी माथे से बाहर नहीं टूट जाए। क्यों या भाई, जब सर्वज्ञ देव ने इतना सब कुछ देखा है तो मेरा क्या होगा, वो नहीं देखा होगा। मैं कब मरूंगा, कब रहूंगा, कब ये पर्याय छूटेगी, कब मेरा बटा बड़ा होगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, मरेगा पिटेगा, क्या ये सब देखा होगा कि नहीं देखा होगा। और ये सब सर्वज्ञ देव ने ऐसा फरमाया है, ये सब है पुद्गल के खेल, इनसे नाही हमारो मेल। तो ये सर्वज्ञ देव ने कोई हवा में नहीं कही बात, ये वास्तव में से जीव और पुद्गल का मेल हो ही नहीं सकता, चाहे मानो और चाहे मत मानो। क्या अरविंद जी, पैसा कमाने से नहीं आता, अपने आप आता है, कौन माने कि साहब हम पानी में जीव है, ये तो मान गए क्यों, तब तो छान छान के पीने लगे ना, कि सब हम ये साहब हम ये तो मान गए आलू में जीव है, इसलिए हमने आलू का छोड़ लिया। गजब गजब, इतनी बारीक बात मान ली तूने, और ये पुण्य पाप के उदय से सब चलता है बाहर में, इतनी स्थूल बात नहीं मानी, बोलो। जबकि माननी तो ये थी पहले, आलू खा लेता तो कोई आफत नहीं आ जाती, घबराना नहीं, समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये पुण्य पाप की मिथ्या श्रद्धा, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल, ये पाप है, इसको तो छोड़ता नहीं। और ये दो चार बार के हमें तो भगवान पे बहुत भरोसा है, क्या भरोसा है, है क्यों, क्या भरोसा है, इसको भरोसा कहते हैं, इसको भरोसा नहीं कहते, कोई भरोसा। देखो पत्नियां पतियों से अक्सर कहती हैं, हमें तो तुम पे बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया। और जरा सी पड़ोसन कह जाए तुम्हारा पति वहां देख रहा था उसको, तो आग लग जाए, है लग जाती
अरे सुनो तो शांति से, तो तेरा भरोसा किस बात का है? क्या बात का भरोसा? मतलब तुझे एक रोड चलते एक आदमी कह गया कि तेरा पति ऐसा, तूने तुरंत मान लिया, तो तेरा सब भरोसा झूठा है, बकवास दो कौड़ी का है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भरोसा तो उसे कहते हैं कि सारी दुनिया कहवे तो भी शंका ना होवे, तब है भरोसा, तब है श्रद्धा। ऐसे ही जिन वचनों में शंका ना धार, ये तब माना जाएगा कि सारी दुनिया की मोह माया, सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध घेर के ये कहें कि ये सब पुद्गल के खेल नहीं है, सब जीव के खेल हैं, ऐसा लगे, ऐसा दिखे, ऐसा कहें तो भी तुम्हें ऐसा लगे, कैसा? ये सब है पुद्गल के खेल, इनसे ना ही हमारो मेल। ये लगना ही चाहिए,